फ्रेंड आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं कि यूरिक एसिड क्या होता है। यूरिक एसिड जब हमारे बॉडी में बढ़ेंगे तो उससे क्या हो सकता है, कौन कौन से ऐसे भोजन है जो आप खा रहे होंगे जाने या अनजाने में आपको नहीं पता है और वो यूरिक एसिड को बढ़ाने में बहुत ज्यादा उसको हेल्प कर रहे होंगे, आपको कौन सा ऐसा जांच डॉक्टर लिख सकते हैं जिससे कि आपके बॉडी में ये मालूम हो कि आपको यूरिक एसिड है कि नहीं, और कौन से ऐसे साइन सिम्टम्स हो सकते हैं जिससे मालूम हो कि आपको यूरिक एसिड आपके बॉडी में बढ़ रहा है कि नहीं, और लास्ट में हम लोग देखेंगे ये यूरिक एसिड ज़्यादा जब बढ़ जाता है या गाउट वगैरह हो जाते तो उसमें कौन से मेडिसिन वगैरह लिए जा सकते हैं। तो दोस्त इस वीडियो को आपको कंप्लीट जरूर देखना है। तो बात करते हैं यूरिक एसिड के बारे में। फ्रेंड इसमें क्या होता है कि यूरिक एसिड जो होता है वो हमारे जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है उसका एक इन प्रोडक्ट होता है, जो कैटाबॉलिज्म होता है एनाबॉलिज्म होता है, तो दोनों मिला के मेटाबॉलिज्म होता है उसका इन प्रोडक्ट होता है, उसको ही हम लोग यूरिक एसिड बोलते हैं। वो हमारे शरीर में कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा फॉर्मेशन उसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन हमारा जो किडनी है वो उसको फिल्टर करके हमारे बॉडी से उसको बाहर कर देता है। ये एक वेस्टफुल प्रोडक्ट है, इसको बॉडी अपने पास नहीं रखती, इसको बॉडी जितना जल्दी हो सके अपने बॉडी से अपने ब्लड से छान करके किडनी से होते हुए इसे बाहर निकाल देती है। अब फ्रेंड बात करते हैं कि ये यूरिक एसिड क्या होता है, कभी कभी इसका मात्रा वगैरह ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, जिसके वजह से क्या होता है कि ये ब्लड जहां जहां जाएगा तो कभी कभी ये किडनी के कुछ पार्ट में भी ये सेटल हो जाता है, वहां पे स्टोन वगैरह का फॉर्मेशन कर लेता है। कभी कभी ये क्या होता है कि हमारा जो ये टोज वगैरह है पैर के या फिर ये जो अंगूठे हैं यहाँ पे ये सेटलमेंट होना इसका शुरू हो जाता है, और ये एकाएक इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा पेन वगैरह शुरू होता है, इसको हम लोग एक्यूट गाउटी अटैक करते हैं। यानी इसमें जो होता है कि बहुत ज्यादा स्वेलिंग, एकाएक आप उठेंगे सुबह आपके घुटने आपके जो टो है उसमें यानी आपका जो अंगूठा उसके अंदर बहुत ज्यादा लाल रेडनेस हो जाएगा, लाल लाल हो जाएगा, उसके अंदर स्वेलिंग होगा, सूजन होगा और बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाएगा। तब इसी को ही हम लोग कहते हैं कि इसके बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा यूरिक एसिड वगैरह बढ़ गया है और वो जा करके इनके टो अंगूठे वगैरह में जमना शुरू हो गया है और इनको एक्यूट गाउटी अटैक आ चुका है। अब बात करते हैं इसमें ब्लड वगैरह जांच क्या होता है। तो इसमें ब्लड में सीरम यूरिन यूरिक एसिड वगैरह इसका लेवल चेक करते हैं, इसमें CCP है इसका भी जांच कराते हैं और इसके साथ में इसमें RA फैक्टर भी देखते हैं कहीं ऐसा तो नहीं इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो। यूरिक एसिड ज्यादा जब बढ़ जाता है तो उसकी वजह से गाउट वगैरह का फॉर्मेशन हो जाता है, इसे ही हम लोग कहते हैं कि ये गठिया हो रहा है या गाउट हो रहा है, इसमें पेन वगैरह दर्द वगैरह बहुत ज्यादा होता है। अब फ्रेंड इसमें बात करते हैं आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो फ्रेंड इसमें क्या होता है कि आप अगर रेड मीट वगैरह खा रहे हैं या बहुत ज्यादा कॉफी टी वगैरह ले रहे हैं या फिर ऐसे चीज ले रहे हैं जो यूरिक एसिड को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, यानी डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह भी बहुत ज्यादा ले रहे हैं, मांस वगैरह बहुत ज्यादा खा रहे हैं आप, तो उसको आपको लिमिट करना होगा, प्रोटीन वगैरह को थोड़ा लिमिट करना होगा, क्योंकि देखा गया है कि ये यूरिक एसिड वगैरह को बढ़ाने का काम करते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें आपको क्या खाना है। तो इसमें बहुत अच्छा है कि आप फल, ताजे फल वगैरह खाएं जो कि कार्बोहाइड्रेट रिच हो, आप बहुत हरी पत्तीदार सब्जियां हो गए, सलाद वगैरह हो गए, ये सबको आप खा सकते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं कि इसमें कौन सा ट्रीटमेंट वगैरह चलता है। तो इसके अंदर हम लोग NSAID देते हैं, यानी जो एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन होते हैं उसको देते हैं, इसमें स्टेरॉइड्स वगैरह भी बहुत से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, साथ में इसमें इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स वगैरह हैं या फिर DMARD वगैरह होते हैं, ये मेडिसिन ग्रुप के आते हैं। इसमें कोलेचिन, जेंटाइन, ऑक्सीडेज वगैरह इनहिबिटर्स होते हैं, ये जो होते हैं ये मेडिसिन जा करके जो यूरिक एसिड की पूरी साइकिल चलती है उसको इनहिबिट करते हैं, उसको रोक देते हैं, तो ये मेडिसिन उसमें हेल्प करते हैं। दोस्त ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझको नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इस चैनल पे आपको केवल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम की सही जानकारी मिलती रहेगी। इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए मुझको आज्ञा दे, नमस्कार।